हाँ तो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार्ट सुजीत चैनल। हाँ तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणियों के बारे में जिन्होंने पहले टिकटॉक पे बवासीर फैलाया, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स पर, और अब ये यूट्यूब पे अपना बवासीर फैला रहे हैं। तो चलो इनके बवासीर का इलाज करते हैं और शुरू करते हैं अपनी बकचोदी बिना किसी मुजरा के। तो इनसे मिलो, इनको तो तुम जानते ही होगे, और जो नहीं जानता तो इनका नाम उछलू लंड है। मेरा मतलब है इनका नाम मिस्टर फैजू है, और ये पहले टिकटॉक पे अपना गांड हिलाते थे और अब टीच रिच के एल्बम में अपना गांड हिलाते हैं। और साथ ही इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये गांड हिलाने के साथ साथ बवासीर भी फैलाते हैं। तो ये है हमारे पहले प्रतियोगी, और अब हम अपने दूसरे प्रतियोगी के बारे में बात करेंगे। तो इनका नाम घनचक्कर लंड है, सॉरी मेरा मतलब अदनान है। विनोद भोसड़ी के स्क्रिप्ट लिख रहे थे या लंड के प्रकार, तुझे तो मैं वीडियो का लास्ट में बताता हूँ। हाँ तो गाइस इनका भी काम गांड हिलाना ही है और साथ में बवासीर भी फैलाते हैं बोनस टाइप में। तो आओ देखते हैं इनकी बवासीर, मेरा मतलब है यूट्यूब वीडियो। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। सो गाइस मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है अभी। आज मैं एक पूरा व्लॉग बनाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा गाइस मैं आज पूरे दिन में करता क्या हूँ। हियर वी गो। ओके, इस भोसड़ी वाले का सुबह हो गया है और आज ये हमें बताएगा कि ये पूरा दिन करता क्या है। बेंचर कैसे कैसे दिन आ गए हैं भाई साहब। तो चलो देखते हैं इस पदार्थ को कि ये करता क्या है। अरे मोड़ी मैया, बहनचोद इसके मुंह को क्या हुआ भाई? ओ अच्छा, लगता है किसी की दुआ लग गई है। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मेरी दुआ नहीं लगी है भाई, मैं ऐसी झाटो दुआ नहीं देता भाई साहब। तो देखो मुझे तो लगता है इसको किसी ने दिया है। अरे भाई अंडा, अंडा खाने से ही मुंह के लौड़ लगते हैं। और भाई साहब मुझे कोई बताएगा कि ये कैसी ब्लॉग है भाई? ना इसमें इसने हगा ना ही मुंहता, और बेंचो डायरेक्ट जा रहा है फोटो शूट पे। ऐसे थोड़े ना होता भाई, अगर तुम ब्लॉग बना रहे हो तो रियल लगनी चाहिए भाई साहब, जैसे मेरे दोस्त नुन्नी गुप्ता ने बनाया है। तो देखो नुन्नी गुप्ता का ब्लॉग। हेलो गाइस, मेरा नाम है नुन्नी गुप्ता और हमारे लौड़े लग चुके हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है, और आज हम बनाएंगे एक ब्लॉग जिसमें तुमको बताएंगे कि हम पूरे दिन करते क्या है। उठ गया रे तू, चल जा घर में सब्जी नहीं है, जाकर लेके आ भोसड़ी वाले। माँ तुमको दिख नहीं रहा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ? ब्लॉग की माई की भोसड़ी, वो भी तीन बार। तू जाएगा सब्जी लेने या मैं चप्पल मारू? लौड़े जा रहा हूँ, सुबह का 3 बजे मूड खराब कर दिया। तो गाइस ब्लॉग जाए माँ चुनाने, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो ये होता है असली ब्लॉग। भले ही ब्लॉग में नुन्नी गुप्ता के लौड़े लग गए थे, लेकिन कितना रियल लग रहा था। ये गरीबों का ब्लॉग ऐसा ही होता है भाई। बहनचोद इसके इस वीडियो में अब बवासीर ही बवासीर होगा, क्योंकि अब इस वीडियो में MPL का ऐड करेगा, और बहनचोद MPL का ऐड करते करते ये वीडियो खत्म हो जाएगी। देखा कितने आसानी से चूतिया काटा इन लोगों ने। ये वीडियो की लेंथ 5 मिनट की थी, जिसमें से इसने 2 मिनट का ब्लॉग बनाया और 3 मिनट का MPL का ऐड दिखाया। और बहनचोद तुमको पता है इसकी वीडियो में कितना व्यू है भाई? सच में बताऊं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कोई टट्टी का कैसे फैन हो सकता है भाई। माँ कसम इसके इस वीडियो ने मेरे दिमाग का घोंसला कर दिया। इनकी माँ की भोसड़ी। और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रतियोगी घनचक्कर लंड के बारे में। तो फाइनली हम लोग ऑन द वे हैं और हम लोग जा रहे हैं स्कार्डिंग। तो ये अंडर एज है पर फिर भी हम लोग इसको लेके आ रहे हैं रेस लेने। अगर वहाँ पे अलाउ किए तो इस अंडर एज को भी स्कार्डिंग कराएंगे। ओके, जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ तो बेंचन मुझे लगा कि प्लेन में गपा गप चल रहा है। बाद में पता चला कि अच्छा ये तो स्काई डाइविंग कर रहा है। और बेंचन इसका मुंह सुअर भी देख के शर्मा जाए और कहे गॉड मुझे अगले जन्म में फिर से सुअर बना दे, लेकिन ऐसी झाड़ जैसी शक्ल मुझे कभी ना देना। और ये क्या बकचोदी है भाई? ये लहसुन अगर अंडर एज है तो इसको ले जाने का क्या फायदा? साला बच्चे बच्चे को पता है कि अगर तुम अंडर एज हो तो तुम स्काई डाइविंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो लंड फर्क नहीं पड़ने वाला इनके जनता को। साला स्काई डाइविंग वाला भी इसको देखकर बोलेगा कोई लड़का है, समझ रहे हो? अब ये तुम्हारे ऊपर है, समझदार हो तो समझ जाओ। क्या बोलते भाई, वापिस क्यों आ गए यार हम लोग? बंद फॉग है, देखते हैं अभी तो फिलहाल बंद है, 3 बजे तक देखते हैं कि वापिस चालू होगा या नहीं। ये लौड़ों का सौदागर साफ साफ झूठ बोल रहा है। तुम लोग बताओ तुमको फॉग दिख रहा है? साला मुझे तो लगता है कि ये जब गए होंगे स्काई डाइविंग वाले के पास तो उन्होंने इनकी शक्ल देखकर बोला होगा निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल।
और भाई साहब इनके ब्लॉग का बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है ना, मैंशुद ऐसा लगता है कि हम ब्लॉग को नहीं बल्कि ब्लॉग हमको देख रहा है। और ऐसा ही चलेगा ना, तो एक दिन आएगा जब ये गांड में बूफर लगा के ब्लॉग बनाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? Hey, y'all, come look at this. यहाँ पे प्लान फ्लॉप होता हुआ स्काईडाइविंग का बाहर फॉक्स से। हाँ, 3 बजे वापिस जाएंगे। 3 बजे आप वापिस जा रहे हो? ठीक है, इंशाल्लाह। कई फिलहाल शॉट देते बिल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। How are you? I'm fine. You're looking smart, bro. Thank you so much. अरे बैंचुत कौन है ये? साला शॉर्ट के नाम पे ही इसकी गांड पड़ गई। बैंचुत तुम लोग इसका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है कि लहसुन के भी लौड़े लग गए हैं। मतलब भाई साहब, इस चूतिये से कोई पूछो, इसको देखकर हम लोग क्या करें, हिलाएं? कौन जा रहा है? देखते हैं। अभी तो मैं रेडी हो गया हूँ। As usual, सबसे पहले रेडी हो गया हूँ। जो आया उसके साथ जाएं। अरे भोंसरे के मुंह से बड़ा तो चश्मा है, अब इनके अंधभक्त बोलेंगे। भाई ये स्टाइल होता है, जाने दे, तू नहीं समझेगा। तू इनके लिए सिर्फ एक शब्द, सब बेटी चो, सब बेटी चो, सब बेटी चो, जगरा बेटी का चो। ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन आएगा कि जब ये लोग टट्टी करने जाएंगे तो उसका भी ब्लॉग बना के डाल देंगे ये लोग यूट्यूब पे। और बैंचुद इनकी चूतिया जनता, वाह वाह वाह। अरे भोसड़ी वालों, अगर तुमको ब्लॉग ही देखना है तो जाओ फ्लाइंग विस्ट का ब्लॉग देखो, तो तुमको समझ में आएगा कि ब्लॉग होता क्या है। You're right, bro. अच्छा, तू पैसा देगा या तेरी माँ? भाई साहब, मेरे दिमाग का दही हो चुका है इनकी वीडियो देखकर। और माँ कसम, इतना गोबर तो गोबर जोन भी नहीं फैलाता जितना ये लोग फैला रहा है बहनचोद। और जितना ये लोग इंटरनेट पे बवासीर फैला रहे हैं ना, इतने मात्रा में बवासीर इनके फैंस को बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। और अब मैं तुम्हें आगे नहीं दिखा सकता, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ सकते हो। चल बोझड़ी के। हाँ तो गाइस, आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था, तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, एम रखते हैं हम लोग 100 लाइक्स का, 100। और चैनल सब्सक्राइब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं लगी है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विनोद भोसड़ी के स्क्रिप्ट लिखता है या जॉनी सिंस के नुन्नी के प्रकार? अगर तूने अगली बार ऐसा किया ना, तो तेरे गांड में छतरी डाल के खोल देगा मैं।